बांदा पुलिस ने आज अंतरजनपदीय चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का काम किया है। आपको बता दें, पूरा मामला बांदा जनपद के चिल्ला थाना क्षेत्र का है, जहां कुछ दिनों पहले दो चोरों ने कस्बे के एक जगह से सोलर पैनल और बैटरियों को चोरी कर लिया था, जिसके बाद सोलर पैनल व बैटरी चोरी की शिकायत संबंधित थाने में की गई थी, जिस पर स्थानीय पुलिस के द्वारा लगातार चोरों की तलाश की जा रही थी, जिस पर आज पुलिस की टीम ने चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दो चोरों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पूरे मामले की प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक लक्ष्मी निवास मिश्र ने बताया कि चिल्ला थाना क्षेत्र के हरदयाल महाविद्यालय में लगे सोलर पैनल व बैटरियों को चोरों ने चोरी कर लिया था। सुचाना पर मुकदमा दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही थी और आज चोरी की घटना को अंजाम देने वाले दोनों चोरों को पकड़ लिया गया है। पकड़े गए चोरों के पास से चोरी किए गए सोलर पैनल व बैटरियां बरामद की गई है और अभियुक्तों के पास से अवैध तमंचे भी बरामद किए गए हैं। फिलहाल दोनों अभियुक्तों के ऊपर सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। खबर जगत के लिए बांदा से दिलीप जैन की रिपोर्ट। थाना चिल्ला अंतर्गत अटारहट में एक हरदयाल महाविद्यालय में 29/30 मई को चोरों ने 16 सोलर प्लेटें और 8 ट्यूबलर बैटरीज चोरी की थी। आज घटना का सफल अनावरण करते हुए दो चोरों को 13 सोलर प्लेटें और 8 बैटरी के साथ गिरफ्तार किया गया है, जिनकी कीमत लगभग 3.5 लाख है और एक तमंचा, 3 नदद कारतूस बरामद हुआ है। दो अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। इससे पहले भी सर क्या ये इन्होंने चोरी को अंजाम दिया? हाँ, इससे पहले भी इन लोगों ने बैटरी चोरी की घटना की थी। इस संदर्भ में जनपद फतेहपुर में अभियोग पंजीकृत है। सर ये कहाँ रहने वाले हैं? ये जनपद फतेहपुर के हैं चारों अभियुक्त।